हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पायस यानी बवासीर में आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि उन चीज़ों से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपको अपनी डाइट को मेंटेन कैसे करना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पाइल्स के ट्रीटमेंट में आधा इलाज तो आपके ही पास में है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आपको बता दें यदि पाइल्स के इलाज में आप खान पीन का सुधार कर लेते हैं, काफ़ी हद तक पाइल्स तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। इस बात को समझाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि डाइजेशन क्या होता है। तो आपको बता दें कि डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसमें जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना शरीर में जाने के बाद टूटता है, और टूटने के बाद जो भी उसमें से पोषक तत्व तो निकलते हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है, और बॉडी के लिए जो भी ज़रूरी नहीं है वो वेस्ट बनकर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन कई बार लोग उल्टा सीधा खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है और वो दो दो तीन तीन दिन तक लेटरिन नहीं जाते, जिसकी वजह से एनस के अंदर के इलाके में स्टूल पास होने के दौरान काफ़ी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से एनस के अंदर प्रचलित नसों में सूजन आ जाती है। साथ ही साथ धीरे धीरे करके वो नसें फूलने लगती हैं, और बार बार जब हम स्टूल पास करते हैं और उन पर प्रेशर पड़ता जाता है तो धीरे धीरे करके उनमें क्रैक्स आ जाते हैं और वो नसें फट जाती हैं, जिसकी वजह से जब हम स्टूल पास करने के लिए जाते हैं तो कई बार ब्लड भी आ जाता है। उसके अलावा साथ में पेन और इचिंग भी हो सकती है, यानी कि दर्द और खुजली भी हो सकती है। ये तो बात हो गई पाइल्स के बारे में। अब आपको बता दें कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खानी है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है अधिक मिर्च और मसाले वाली पदार्थ, क्योंकि यदि आप इन चीज़ों को खाएंगे तो उसकी वजह से आपका डाइजेशन तो गड़बड़ हो गई, साथ ही साथ जब आप स्टूल पास करने के लिए जाएंगे तो उसमें दर्द और जलन भी हो सकती है। इसलिए मिर्च और मसाले वाले पदार्थों को या चीज़ों को आप पूरी तरीके से ही अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ है जो आपको नहीं खानी है, वो ये है कि आपको बाहर का तना भुंजा हुआ कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि बाहर की चीज़ों से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, और यदि एक बार आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गई तो धीरे धीरे करके वो पाइल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आपको बाहर का तला भुंजा पूरी तरीके से अवॉइड करना है। तीसरी चीज़ है कि आपको बेकरी के प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना है, क्योंकि इनकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही साथ बेकरी के प्रोडक्ट आपके डाइजेशन को भी कई बार अफेक्ट कर देते हैं, इसलिए आपको बेकरी प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना है। चौथा है फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू, बैंगन, चावल, इन चीज़ों को भी आपको कम से कम प्रयोग करना है, क्योंकि ये सब्जियां भी पाइल्स को बढ़ाने में मदद करती हैं। इसलिए यदि आप इन चीज़ों का प्रयोग कम कर देंगे तो पाइल्स में आपको राहत हो जाएगी। पांचवा है कि आपको चाय और कॉफ़ी जैसे पदार्थों का सेवन भी पूरी तरीके से बंद करना होगा, क्योंकि ये पदार्थ भी आपके पाइल्स को बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि इन पदार्थों में कैफीन प्रेजेंट होता है, इसलिए आपको इन प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना है। छठवा है मूंग दाल, मसूर दाल, नॉन वेज, और साथ ही साथ जंक फूड का भी आपको कम से कम सेवन करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कई बार कॉन्स्टिपेशन बना देती है, जिसके कारण धीरे धीरे करके पाइल्स की समस्या हो जाती है। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा समझाया हुआ समझ में आ गया होगा।